हमारे समाज में अच्छे दिन आएंगे। आवश्यकताएं हैं सारे बच्चों और सृष्टि के कारण जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे वही माता है। हम लोग की नवरात्रि की जागरण का पूजा है, ये भालुवसा शीतला मंदिर से ही होता है। इनकी प्रतिष्ठाता श्री रघुवर दास जी हैं और आज के 25 साल से 25-30 साल से ये भी चल के आ रहा है। जोत क्या ये है ब्रह्मचार्य का नाम पर आज पूजा हुआ है। कितना कलश का हुआ? ये आपको 29 कलश का है और शिव मंदिर में भी 20 तो है। श्री श्री शीतला माता मंदिर भालुवासा के द्वारा प्रत्येक वर्ष चैती नवरात्र के पावन अवसर पर भव्य जमारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है और देश के आज़ादी के पश्चात 1948 से इस मंदिर प्रांगण में पूर्व में जो अपने पूर्वजों ने छोटे से मंदिर को एक छोटा स्वरूप देकर के शीतला माता को स्थापित किया था, बाद में इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी ने बीड़ा उठाया था कि इस मंदिर को भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। उन्होंने इस मंदिर को स्थापित करने में और इस मंदिर के निर्माण के लिए पूरे शहर में लोगों को याद भी होगा कि एक लॉटरी चलाई जाती थी, उस लॉटरी के माध्यम से इस शीतला मंदिर का भव्य स्वरूप आज हम सभी लोग देख पा रहे हैं। और रघुवर दास जी के साथ साथ कई ऐसे लोग सामाजिक प्रतिष्ठित लोग अपने समाज के जो छत्तीसगढ़ी समाज से जुड़े हुए थे, साथ साथ आसपास के लोग जिन्होंने इस क्षेत्र के लोगों से अनुदान लिया और इस मंदिर को ऐतिहासिक बनाया। मान्यता है छत्तीसगढ़ में माता बम्लेश्वरी का जो स्वरूप होता है उसको शीतला माता में स्थापित किया जाता है और जिस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी समाज की बहुलता है जहाँ पर शीतला माता स्थापित है वहाँ पर छत्तीसगढ़ी समाज के लोग भव्य स्वरूप में इसकी पूजा अर्चना करते हैं। और मान्यता है कि जो माता की आराधना करते हैं जिनका तन मन धन से आंशिक भी सहयोग होता है उनके घर पर सुख शांति और समृद्धि कायम रहती है। इसी मान्यता के साथ साथ हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज के युवाएं, बच्चे, वयोवृद्धे और पूर्वजों के द्वारा जो स्थापित है उसे जमारा पूजा महोत्सव का भव्य रूप से हम सभी लोग मनाते आ रहे हैं। माँ के साथ काली माँ का भी पूजा किया था, इसका क्या? चैत नवरात्र में दुर्गा जी का नौ स्वरूप होता है और नौ स्वरूप में माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, ऐसे तमाम देवी का हम सभी लोग पूजा और अर्चना करते हैं और उससे शक्ति प्राप्त करते हैं और उस शक्ति के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बनाए रखते हैं। प्रोग्राम जोड़े कहाँ से आए हैं सर? ये छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, जसगीत भजन मंडली के नाम से ये लोग जाने जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जा करके माता का भजन गाते हैं और माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। श्री श्री शीतला मंदिर भालुवासा स्थापना 1948 और इसी मंदिर परिसर में श्री श्री सार्वजनिक नवरात्रि ज्वारा पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और यह पूजा छत्तीसगढ़ में हर जगह मनाया जाता है। पूजा होने की समय है 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होगा पूजा। तो उत्तम सिंह जी हैं, उत्तम साहू जी हैं जो यहाँ के कोषाध्यक्ष और उसके साथ पूरे टीम, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस ज्वाला पूजा को माँ को खुश करने के लिए हर समय भजन कीर्तन किया जाता है और वह टीम छत्तीसगढ़ से आए। तो हम चाहेंगे कि उत्तम साहू जी से बात करते हैं कि यह पूजा कितना साल से मनाते हुए आ रहा है और यहाँ पर कौन कौन आएंगे पूजा के विशेष 9 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में। मेरा नाम उत्तम साह हुआ। सन 1948 से यह पूजा होती आ रही है, जवारा पूजा है। ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है भालुवासा बस्ती में, भुयाड़ी बस्ती में। बहुत पुराने यहाँ से छोटे छोटे हम लोग थे तब से वो होते आ रहे हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हम लोग करते हुए निकले हैं। ये बहुत शक्ति शीतला माता मंदिर है, बहुत पुराना जवारा पूजा होती है सर। यहाँ हम देखें कि माँ शीतला माता के साथ माँ काली का भी पूजा हो रहा है, उसके साथ सरस्वती माँ और आपका लक्ष्मी माँ का भी है और अंदर में ज्योत है उसके, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मूर्ति नौ देवी की शक्ति है, नौ देवी की माँ है, नौ देवी को हम लोग रखते हैं और अंदर में ज्योत 9 तारीख को मैंने 9 पहला दिन हम लोग का जलता है, वो 17 तारीख तक पूरा चलती है। अष्टमी के दिन हम लोग का वो द्वार खुलता है कि सब महिलाएं उनको दर्शन कर सके और नवमी को दिन का हम लोग का विसर्जन किया जाता है। मंदिर की मान्यता क्या है जो दिल से इसमें आस्था करते हैं? माँ शीतला की बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ, बहुत ही शक्ति है। तब जाके आज हम लोग इतने बड़े पूजा कर रहे हैं और यहाँ तक रघुवर दास जी माने विधायक से लेकर आज राज्यपाल तक बनी हुई है। माँ शीतला की बहुत शक्ति है यहाँ। देखिए, यह शीतला माता
और ज्वारा पूजा की शक्ति है जो आज यह चौथा पांचवा जनरेशन इस पूजा को उठा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप माता बहन देखिए उसके लिए तत्पर है, हर समय भजन कीर्तन करती है। 9 दिन का पूजा है, 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। आज कितना दिन हुआ? आज ये दूसरा दिन हुआ, आज दूसरा दिन है। और इसकी जो भव कलश यात्रा निकलेगी, जो विसर्जन हुआ जो वह भी बहुत धूमधाम से है और वह भी आपको दिखाया जाएगा। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।